मेरा नाम जी कुंडल राव है और मैं रिटायर रेलवे एम्प्लॉय हूँ, खड़गपुर आईआईटी का एक्स जिम्नास्टिक कोच भी रह चुका। मेरे पैदाइशी खड़गपुर में है, मैं खड़गपुर में पैदा हुआ और यहीं से मेरा एजुकेशन हुआ और नौकरी भी यहीं पर मिला, रेलवे में जॉब करता था। अक्सर लोग यही पूछा करते हैं कि आप 60 होने के बाद भी आपका शरीर इतना फिट कैसे रहता है, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि इसमें तीन कारण हैं। पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है एक्सरसाइज और तीसरा भी है एक्सरसाइज, और अपने दिमाग को सही रखना, एक कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना और अपना जो डेली रूटीन है उसको आप बहुत डिसिप्लिनली फॉलो करना। क्योंकि मैं बचपन से ही जिम्नास्टिक करते आ रहा हूँ, मेरा इवेंट ही जिम्नास्टिक इवेंट था, उसके बाद फिर मैं उसको मार्शल आर्ट में कुछ सीखा, मार्शल आर्ट भी मैं जानता हूँ और डांस वगैरह भी मैं करता था। पहले खड़गपुर में मैं बहुत सारा रिकॉर्डिंग डांस किया और खड़गपुर से बाहर भी, तो उस वक्त मैं जिम्नास्टिक में रिकॉर्डिंग डांस दोनों मिक्स करके मैं करता था, जो मैं 35 साल पहले खड़गपुर के, शायद हमारे ज़माने के, हमारे उम्र के जितने भी लोग हैं वो लोग ये ज़रूर अपने बच्चों से आज कहते हैं कि बेटा अभी जो तुम देख रहे हो, ये जो डांस बंगला डांस या जो भी हो, डांस इंडिया डांस जो भी हो, जो लोग अभी डांस करते हैं, जो भी आर्टिस्ट वगैरह, तो ये डांस जो अभी आप लोग जो देख रहे हो, ये उस वक्त मेरा एक फ्रेंड है जी कुंडल राव, वो 35 साल पहले ये चीज़ करके दिखा चुका है। और आज भी अगर स्टेज में मुझे अगर इनवाइट किया जाएगा तो मैं वही डांस जो अभी 16-17 साल के बच्चे करते हैं, मैं वही डांस कोई भी स्टेज में, कहीं पर भी, किसी भी स्टेज शो में मैं करके दिखा सकता हूँ विद जिम्नास्टिक्स। सन 81 में 81 में मेरी जॉब हो गई थी, तो 76-77 में मैं यहाँ पहला कराटे एंड जिम्नास्टिक क्लब खोला खड़गपुर में। चूँकि मैं जिम्नास्टिक सीखता रहा, निमायदा बोल के मेरे टीचर थे सिल्वर जुबली स्कूल के ग्राउंड में, वो फर्स्ट खड़गपुर में जिम्नास्टिक सिखाते थे, जिसके पास मैं गया और शायद उन्होंने मुझे एक महीने तक क्लब में आने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त खड़गपुर में साउथ इंडियन लोगों का उतना बोलबाल नहीं था, दादागिरी, मारपीट, पीना, ये करना वो करना, शायद उनका उतना अच्छा रेपुटेशन नहीं था। बंगाली के बीच में अगर एक साउथ इंडियन जाना है किसी भी क्लब में, तो उनका बहुत ही अच्छा चरित्र और रेपुटेशन रहने से ही बंगाली लोग अपने क्लब में अलाउ करते थे। तो फिर मैं लास्ट में जाके बोले कि निमायदा अब मैं जिम्नास्टिक क्लब में नहीं आऊँगा, तो बोले कि इतना जल्दी टूट गया, ये तो आपका शुरुआत है। तो फिर उन्होंने मुझे जिम्नास्टिक क्लब में एंट्री दिया और बहुत कम ही मुझे सिखा पाया जिम्नास्टिक, मैं बहुत ज़्यादा तक नहीं सीख पाया। मेरा एम हरदम लाइफ में ये था कि मैं जितना सीखूँ उससे ज़्यादा मैं लोगों को सिखाऊँ। फिर मैंने अपना क्लब ओपन किया 77 या 78 में, और उस वक्त करीबन
60-70 बच्चे आते थे एक बैच में, उसी तरह 3-4 बैच, और मैंने कभी एक पैसा किसी से लिया नहीं। मेरी जॉब हो गई 81 में। उसके बाद धीरे धीरे क्लब जो है टूटता गया, समय के कमी के चलते मेरे पास स्टूडेंट्स कम हो गए, बहुत सारा स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ चले गए क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रहा था। '87 में मेरा पिताजी का देहांत हो गया। देहांत के पहले एक अच्छा खुशखबरी पिताजी को ये सुनने मिला कि उन दिनों केवल इंडिया में 5 IITs थे और ऋषि मोदी साहब 5वें IIT के चेयरमैन थे, तो मुझे खड़गपुर IIT से इनविटेशन लेटर मिला कि आप इंटर IIT में खड़गपुर IIT के टीम को आप जिम्नास्टिक कोचिंग करेंगे, और मैं खड़गपुर IIT का ऑफिशियल जिम्नास्टिक कोच बन गया। वो मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का शायद बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है, जो मैं सोचा भी नहीं कि एक खड़गपुर IIT का मैं ऑफिशियल जिम्नास्टिक कोच बनूंगा। और उन दिनों इंटर IIT हुआ था बॉम्बे IIT में, तो वो मेरे पिताजी खबर सुने थे। उस वक्त पिताजी का हार्ट अटैक हुआ, शायद मैं पिताजी को कम समय दे के IIT के लड़कों को ज़्यादा समय दिया, और उन दिनों पिताजी का देहांत हो गया। कुछ साल के बाद मेरी बहन थी जिनको मैं अपनी माँ जैसा प्यार करता रहा, क्योंकि मैं जब भी स्पोर्ट्स करता था तो मेरी बहन मेरे लिए अलग से कुछ नाश्ता वगैरह बना के रखती थी। जो भी है, आज वो बहन है, और माँ का उस वक्त बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया घर पर। उबलता हुआ माड़ जो है गर्म माड़ माँ के पैर पे गिरा और माँ बिछाने में सो गई। तो उतनी छोटी उम्र में वो बहन पूरा 16-17-18 साल की थी शायद, तो उस वक्त पूरा घर संभाली और ऊपर से मेरा पूरी जिम्मेदारी वो अपने सर में ली। फिर उनका शादी में दिया, उसके बाद दो साल के बाद अचानक से मेरी बहन आई घर में, बोले कि भैया मेरा तबीयत ख़राब है। आंखें उनकी पीली हो गई थी और उनको शायद लंग्स में जो होता है पीला होने से जॉन्डिस, उनका लंग्स में हो गया। 8 महीने के बच्चे, एक लड़का था उनका 8 महीने का, रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरी वाइफ के आंखों के सामने मेरी बहन दम तोड़ दी, मर गई। वो मेरी माँ जैसी, मेरी माँ से भी बढ़ के थी, उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनके घर, उनका एक ख्वाहिश था कि भैया आप इतना शान से मेरा शादी दिया, तो मेरा जहाँ से शादी का डोली उठा वहीं से मेरा अर्थी उठना चाहिए। शादी के दिन ही मुझसे बोली, और ससुराल वाले को मैं लाश नहीं दिया, मेरे बहन का जो लाश है जहाँ से डोली उठा वहीं लाके मैं रखा। खैर, अर्थी उठा उनका, उसके बाद से अपने आप में संभाल नहीं पाया। फिर रात में नींद नहीं आती थी,
टूट गया था मैं। फिर मैं पहली बार अपने घर से जाके यहाँ पर नया बाजार एक था, न्यू सेटलमेंट मार्केट, उसके पीछे एक दारू का दुकान था जहाँ पर लोग यहाँ बोलते कि भट्टी और महुआ, खड़गपुर में इनका नाम है भट्टी और महुआ, दो चीज़ खड़गपुर में बहुत फेमस था उन दिनों। भट्टी मतलब देसी, महुआ मतलब जो बैटरी के पानी से बनता हो। तो वहाँ मैं शराब का आदि बन गया। तो काफ़ी दिन तक ये चलता रहा सिलसिला वगैरह, कर्ज तो टूटा नहीं, बहन भी चली गई, तो सारा जो है मेरी ज़िंदगी का सब कुछ वहाँ से बदल गया। तो इसमें एक चीज़ ये है, तो माँ बोली कि बेटा अब आप अपना शादी कर लो। तो अभी जो मेरी वाइफ है उनका नाम है अपराजिता भट्टाचार्य, बहुत ही फेमस है, आईआईटी केवी की स्टूडेंट थी। मैं जब खड़गपुर आईआईटी के स्टूडेंट को सिखाने जाता था तो वो आईआईटी खड़गपुर केवी की इंडिविजुअल नेशनल स्कूल चैम्पियन थी, जिनका आज तक रिकॉर्ड है 4 इवेंट में अकेली पूरा ये की, बंगाल की, नेशनल की। सिर्फ एक कढ़ाई, एक हंडी से मैं अपना परिवार शुरू किया, अपना जिंदगी, अपना ब्याह का जिंदगी शुरू किया। खाट नहीं था, चटाई था, वो पैगनेट थी, नीचे चटाई में सोती थी, मैं भी सोता था। सो ये साथ नहीं छोड़ी मेरी, कभी नहीं छोड़ी, पी के आता रहा, जुलूम करता रहा। बाहर में किसको क्या बोलूंगा, घर का बीवी को बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगी। शायद यही था कि दिमाग में बाहर का गुस्सा मैं अपने घर पर उतारता रहा। वैसे वो बहुत क्वालिफाइड थी, एमएससी फिजिक्स बीएड थी, तो बोली कि ठीक है अब यहाँ खड़गपुर में हमको उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, हम बाहर में जाएंगे नौकरी करने के लिए। हम बोले ठीक है आप बाहर जाओ। तो वहाँ से वो चली गई आपका सेंट मैरी संतरागाछी, तो मैं पूरा यहाँ से घर खाली करवा लिया, वो संतरागाछी चली गई और मैं खड़गपुर में अकेला हो गया। ये 10 साल का पहले का बात बता रहा हूँ। उस वक्त से मेरा अकेलापन, अकेला जिंदगी शुरू हुआ। और उस वक्त से सुबह के चाय से लेकर रात का खाना तक केवल होटल में खाता था। और आप सभी जानते हैं खड़गपुर में खाने का होटल कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहीं नहीं। बस मेरा टाइम ही वैसे था, सुबह का बना हुआ अगर कुछ बच गया जैसे कि चौप, समोसा या कचौड़ी, वो दोपहर को मैं खा लेता रहा, दोपहर का बचा हुआ रात में खाता रहा। कभी कभी ऐसा नौबत आ जाता रहा कि बारिश होती थी तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता रहा। कई दिन तक मैं भूखा ही था, मैं बिना खाए रहता रहा। शायद लोग सोचते होंगे कि आज 60+ होने के बाद भी ऐसा दिखता कैसा, जरूर बहुत कुछ मेंटेन करता होगा, क्या खाता होगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भैया खाते क्या हो, आप ऐसे दिखने का राज क्या है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि मैं बताऊं तो क्या बताऊं, इतना सारा इतना हादसा मेरे साथ हुआ। मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूं कि शायद मेरे दुश्मन के साथ भी ये हादसा ना हो, इतनी मुसीबत मेरे दुश्मन को भी ना आए। तो ये रहा मेरा अपना अकेलापन का, यहाँ तक का कि मैं अकेला होने का कारण क्या है। मेरा परिवार के लिए, पैसे के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, हम लोग दोनों मिलके, मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों मिलके एक डिसीज़न लिए कि ठीक है आप जॉब करो, मैं खड़गपुर में अकेले रहता हूँ, फिर हम दोनों मिलके बच्चे को पढ़ाएंगे। मैं दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूँ, 60 होने के बाद
दुनिया सोचती है कि वो एक वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, घर वालों से लेकर, खैर गवर्नमेंट तो उनको बाहर का रास्ता दिखा देती है रिटायरमेंट करके, तो उनका मेंटली बहुत बड़ा एक ये हो जाता है कि शायद मैं जिस जगह में काम करता हूँ उसी जगह में अगर मेरे को नालायक सोचा, मुझे निकाल दिया कि हाँ मेरे काम करने का क्षमता जो है वो कम हो गया, तो वैसे वो 70% टूट जाते हैं रिटायर के बाद। वो जो टूट जाते हैं 70%, उनका मानसिक हालत इतना ख़राब हो जाता है कि और अपने आप को मैंने साबित नहीं कर पाते कि मैं शायद इस समाज में रहने लायक हूँ या नहीं, शायद मैं समाज से बाहर हूँ, शायद मैं और जिंदा नहीं रहूँगा, पता नहीं उनके दिल में क्या क्या ख्याल आता है। अभी भी मेरे दोस्त लोग हैं जो रिटायर हो गए, मैं उनको देखता हूँ तो बड़ा विचित्र लगता है। चाय पीने आते हैं तो चाय ढंग से नहीं पीते हैं, थोड़ा बहुत चाय पी के फिर चिंता करते हैं। मैं पूछता क्या हुआ, की हुई जी दादा, ना यार बोलू ना की हुई जी, नहीं क्या हुआ, नहीं मैं बोल नहीं सकते कि क्या हुआ। मैं बोले कि यही तो परेशानी है, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आफ्टर 60 ओवर 60 60 साल के बाद एक उनका नया जिंदगी शुरू होता है। वो क्यों किसी बेटे पे डिपेंड रहेंगे, आजकल तो बच्चे सब मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, बहुत एडवांस हो गया। वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे मेरे घर वाले मुझे देखते नहीं हैं, आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपने माँ बाप के लिए समय निकाल कर एक अलग से घर रख कर या उनके लिए देखभाल के लिए अलग से कोई करे, शायद इतना समय नहीं है। नहीं तो हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनके बच्चे भी हर माँ बाप को प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बुढ़ापा का कमजोरी है हेल्थ। मैं फिर घूम के वहीं पर आता हूँ, अगर आपका शरीर अच्छा है, आज मैं हूँ, मैं क्या अपने बेटे पे डिपेंड रहूँगा, कभी नहीं रहूँगा। मैं कोई ओलंपिक नहीं खेला हूँ, मैं कॉमनवेल्थ में कोई गोल्ड लेके नहीं आऊँ इंडिया के लिए, केवल और केवल अपने आप को फिट रखा हूँ। इतने तकलीफ होने के बावजूद भी मैंने अपना एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ा। मेरे दुनिया से यही मैसेज है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब में मैं देखता हूँ, इंडिया वाले तो बनाते नहीं यूट्यूब, 60 साल वाले मैंने कहीं नहीं देखा कि 60 साल का जिनका 60 साल हो गया वो कोई यूट्यूब बनाए, वो कोई दुनिया को एक मैसेज दे कि भैया 60 साल के बाद आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं देखा मैं। 60 साल कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस है तो एज केवल एक नंबर है।